दोस्तों भोजपुरी सिनेमा के जाने माने स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों खूब चर्चा में चल रहे हैं। इनके लगातार हिट्स गाने दर्शकों का दिल जीत रहे हैं, साथ ही इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कई हिट्स देते रहते हैं खेसारी, जो कि इस समय ट्रेंडिंग स्टार बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खेसारी के ऐसे सॉन्ग के बारे में बताएंगे जो रिलीज के साथ कई सारे रिकॉर्ड बना सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, नीचे दिए लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज मिले सबसे पहले। हुसन है सुहाना 90 के दशक का एक ऐसा गाना माना जाता है जो अब भी बहुत ज्यादा हिट है। 1995 में रिलीज हुई गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टारर कुली नंबर 1 में इस गाने को लोग खूब ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें, इस गाने पर वरुण धवन, सारा अली खान की जबरदस्त परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया था और बेहद ही प्यार मिला था। इस गाने को अब तक लगभग 205 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। सारा अली खान और वरुण धवन की जबरदस्त परफॉर्मेंस और लाजवाब केमिस्ट्री लोगों के दिलों पर अभी तक खूब राज कर रही है। दोस्तों ऐसे सुपरहिट गाने हुसन है सुहाना पर खेसारी लाल यादव की आवाज और उनकी परफॉर्मेंस और खेसारी लाल यादव का जबरदस्त डांस देखने को मिल जाए तो गाना भोजपुरी में भी सुपरहिट साबित हो सकता है और ये गाना उनके फैंस को बेहद पसंद आ सकता है। दोस्तों इस गाने को भोजपुरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बनाया जाए तो जल्द ही ये गाना बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है और खेसारी लाल यादव की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए तो ये गाना वाकई लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, खेसारी लाल की आवाज में आप इस बेहतरीन गाने को सुनना पसंद करेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। बॉलीवुड के पावर कपल मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मालदीव जा पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें जोड़े को अपने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट करते हुए देखा जा रहा है। गुरुवार को अर्जुन ने अपने रिजॉर्ट से एक मोनोक्रोम सेल्फी साझा की और अपने फैंस से जगह का अनुमान लगाने को कहा। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्होंने खुद ही मालदीव के फरीदीप में स्थित पटीना मालदीव होटल को टैग कर जहां का खुलासा कर दिया। अर्जुन और मलाइका दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी और रिसोर्ट के साथ साथ बीच की अलग अलग और बेहतरीन तस्वीरें साझा की हैं। अर्जुन ने अपनी ही इंस्टा स्टोरी के जरिए साफ कर दिया कि वे मलाइका संग छुट्टियां बिता रहे हैं। दोस्तों आपको खेसारी लाल के इस मूवी और मलाइका अरोड़ा को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। We'll be right back.